बहुत ही खुशी है कि मैंने अपनी ऐसी उम्र में भी 70 साल मेरे को हो जाने लगे हैं। और पहले जमाने के लोग मिट्टी और पत्थरों के घर बनाते थे, वो इसलिए कि यहाँ आज बहुत दिनों बाद मैं पीऊंगी धारे का पानी। तो धारा अपना ऐसा है, तो ये पानी बहुत ही ठंडा होता है और धारे के ऊपर कुछ ऐसी डिजाइन बनी है। आजकल बरसात की वजह से ना थोड़ा सा घास और काई वगैरह लगी है। पहाड़ों का ठंडा पानी आज बहुत दिनों बाद मैं धारे का पानी पी रही हूँ। तो यह है, यहाँ पर धारा मिला मेरे को और इतना मीठा होता है ना पहाड़ों का पानी सच में। तो नेचुरल वाटर आता है ऊपर से, तो ये है धारा। तो चलते हैं और इसका कुछ मॉडल ऐसा है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। तो आजकल मैं लेट ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी करते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, उत्तराखंड के देवभूमि के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो आज फिलहाल मैं जहाँ पर गई हूँ ना, मैं गई हूँ नथवा खान के गांव में। तो कुछ इस तरीके का मौसम दिख रहा है और अभी आ रखी है धूप, और दिखाऊंगी आज के दिन में क्या क्या होता है फिर, और बने रहिए ब्लॉग के साथ। और यहाँ से दिखता है खूबसूरत सा गांव नीचे पूरा, और मैं इतने टॉप में आ रखी हूँ और यहाँ से सामने की वैली कुछ ऐसे दिखती है। सुबह बारिश थी हल्की, तो अभी हल्की धूप आ चुकी है और उस वैली में अभी भी बादल आ रहे हैं, शायद बारिश भी आ सकती है। और यहाँ हो रहे खूबसूरत से फूल, और ये ऐसे निकालते हैं ये राजमा की फली और अंदर है राजमा। तो ये हो रही है पहाड़ी राजमा, और ये लाल वाली और ये भी लाल, ये भी। तो पहाड़ों में आजकल बहुत सारी राजमा फसल हो रही है, मतलब यहाँ तो ज़्यादा ही राजमा होती है। तो आज पहुँची मैं मौसी के घर में फिर से, मतलब मैं काम से गई थी, तो यहाँ पे मैं खाना खाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी और उसके बाद फिर से काम के लिए जाएंगे। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, क्योंकि गांव बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इधर भी दिखाऊंगी मैं, इधर मौसी के फूल भी हैं, और जो भी होगा ना वो दिखाएंगे हम आपको। और पहाड़ी घर, और पहाड़ी घरों का सबसे बढ़िया मेरे को ये लगता है ना, जो अंदर मिट्टी की लिपाई होती है, मतलब जो पहाड़ों में अक्सर देखने को मिलता है लोगों के पास मिट्टी और पत्थरों के घर होते हैं, और वो जो लिपाई होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है और होती भी है, उसे शुद्ध मानते हैं। आज तो लोग सीमेंट के घर वगैरह बनाने लग गए हैं, लेकिन पहले जमाने के लोग मिट्टी और पत्थरों के घर बनाते थे, वो इसलिए कि यहाँ पर ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो उस टाइम पर गर्म रहते हैं और गर्मियों के टाइम पर ठंडे रहते हैं। तो ये रीज़न है पहाड़ों में मिट्टी के घर बनाने का। तो दिखाऊंगी आपको मैं मिट्टी के घर भी कैसे होते हैं। तो ये है मेरी मौसी, और मौसी को ना फूलों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो मौसी ने यहाँ पे बिगोनिया, और इसको राखी वाला फूल बोलती है, वैसे ये है पेपर फ्लावर, तो ऐसा कुछ लगता है, और वैसे इसको राखी वाला फूल भी बोलते हैं, है ना। हाँ, तो मौसी बहुत सारे फूल वगैरह भी लगाती है। और यह है मौसी का घर, घर मतलब कि मिट्टी और पत्थर वाला। और अंदर दिखाते हैं, ये देखो ये लिपाई कर रखी है ना पूरी मिट्टी की, तो नीचे भी और ऊपर भी मिट्टी और गोबर का, जिसे बहुत शुद्ध मानते हैं। और इधर हो रखी है इतनी राजमा, जिसमें लाल राजमा, चित्रा राजमा, और ये सब हो रहा है, दिखाती हूँ पास से। और ऐसा कुछ होता है पहाड़ों का, मिट्टी और पत्थरों का घर। और यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे डाल रखी है मिर्च, और ये है पहाड़ी चूल्हा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने खाना वाना भी खा लिया, जिसमें राजमा की दाल, और अभी इतने बर्तन पड़े हैं तो ये बाद में धोएंगे, ऐसा कुछ सीन है। तो शिम के कमौन में कतु टाइम लागा? शिम के कमौन में बहुत टाइम लागा। गोल दिन भे होए, फिर ग्यार खितन भे, फिर लगोन भे, गोड़िन भे, ठंगार दिन भे, वो बहुत टाइम लगा। अभी तो ये जो मुझे सुकून पकून ततून सही बात सब काम है।
तो मौसी बता रही है कि राजमा को उगाने के लिए मतलब 3 महीने में हो जाती है राजमा, लेकिन इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उनमें बुआई है, फिर गुड़ाई है, और फिर इस पे स्टेयर देते हैं मतलब इसको खड़ा होने के लिए, तो इतनी तब जाके ये राजमा का उत्पादन किया जाता है। तो पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्योंकि असौज का महीना भी चल रहा है, तो ऐसा कुछ सीन होता है पहाड़ों का। तो हमने यहाँ पे मतलब खाना वाना भी खा लिया था, तो यहाँ पे इतना ज्यादा राजमा वगैरह उगी है और भाई अंदर से मजाक भी बना रहा है। तो मौसी से मैंने पूछा कि इतनी राजमा उगाने में कितना टाइम लगता है, तो आजकल पहाड़ में ये सब हो रहा है मतलब राजमा और मिर्च वगैरह का उत्पादन निकल रहा है जो हमारी तरफ को होता है। तो आजकल काम के दिन है और मैं भी निकलती हूँ क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है नीचे। तो फिर चलते हैं और मिलेंगे फिर, ठीक छू, बाय बाद बाय। में, बाय बाय। तो मौसी से फिर मिलेंगे हम और चलते हैं अब हम भी क्योंकि काम भी है ना। चलो बाय बाय। एक मजाक बना रहा अंदर से भी नहीं, ब्लॉग बना रही है भाई तू। तो यहाँ पे दिख रही है राजमा की खेती। तो जैसे नीचे आड़ू के पेड़ दिख रहे हैं ना, तो इसी में लोगों ने राजमा बो रखी है। तो ऐसे कुछ बेल जाती हैं, तो आजकल अब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम भी हो गया है, मतलब जो तैयार होती है पक्की वाली तो उसको निकाल लेते हैं। तो कुछ ऐसे होती है पहाड़ों की खेती, और ये है पहाड़ी रास्ते। और आजकल ना बारिश से बिल्कुल काई जम रखी है इस पे, तो थोड़ा सा रिस्क भी है। तो अभी पहुंची हूँ मैं आधे रास्ते में, और पीछे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे घास है सूखी वाली, तो ये बारिश ने घास भी बर्बाद कर दी है क्योंकि आजकल पहाड़ों में यही सीजन है कि घास सुखाने का। यहाँ पे जाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो लोग इसको स्टॉक करके लूटा लगा देते हैं, बहुत जगह लूटा ही बोलते हैं घास का जो स्टॉक वाला इकट्ठा मतलब जो जहाँ पे इकट्ठा करते हैं उसे लूटा ही बोलते हैं। तो अभी आजकल पहाड़ में एक काम ये बढ़ गया क्योंकि बारिश से भीग चुकी है ना घास, तो इसे दोबारा से सुखाने के लिए डाल रखी है। और अभी ठीक हो गया, अभी थोड़ा मौसम भी ठीक है और धूप आ चुकी है, और मेरे को नीचे भी देखना है। आप देख सकते हैं ना रास्ता कैसा है, मतलब रास्ता एकदम स्ट्रेट है और उस पर काई जमी है, तो थोड़ा सा मेरे को रिस्क भी लग रहा है। तो मिलते हैं नीचे रोड में जाके। तो अभी पहुंची हूँ मैं मेन रोड में, और स्कूटी खड़ी की है मैंने इसके अंदर क्योंकि बारिश की वजह से रोक भी जा रही है ना ये। तो चलते हैं फिर और आगे मिलेंगे आपको। और ये रही मेन रोड, और ये है नीचे रामगढ़ रोड। लेखा जोखा बिल्कुल को हाँ वो तो बहुत होए बहुत ज्यादा लेखन जोखन में खूब भई। नमस्कार, मैं 1985 संचय ये महिला समूह में काम कर रही हूँ, प्रगति समूह में। हाँ। और इसमें हमारी हर महीने की बचत जमा होती है और महिलाएं भी उपस्थित हो ही जाती हैं। और जब से हमने ये समूह जोड़ा, हमको 23 साल होने लग गए हैं समूह जोड़ा हुआ, उसी 23 साल मैंने ये समूह में काम कर दिया है। हाँ। और मेरे को बहुत ही खुशी है कि मैंने अपनी ऐसी उम्र में भी 70 साल मेरे को हो जाने लगे हैं, और अभी भी मैं समूह का लेखा जोखा काम करती हूँ, काम कर रही हूँ जितना भी मेरे से होता है। हाँ। और हमारा समूह अच्छी तरह चला है, हम और नाम भी बताइए अपना। और मेरा नाम चंपा बेट है और ग्राम नथा खान, और प्रगति सहायता समूह में मैं काम करती हूँ, और अध्यक्ष पद पर, और कोषाध्यक्ष पद पर मेरा काम है। हाँ, धन्यवाद। और साथ में इतनी सयानी आमा लोग भी हैं हमारे समूह में, इस समूह में। तो ये समूह बना है 1999 में। और हिमा दी चाय बना के लागे हैं, वो भी मिश्री की कटक वाली, और पहाड़ों में मिश्री की कटक वाली चाय क्यों पीता है। हाँ हाँ बिल्कुल,
महिलाएं इतना काम करती हैं, इतना दिख रहा है, खुले से तो ऐसा दिख रहा है कि महिलाएं लगातार इतना काम कर रही हैं, मतलब लग ही रहे हो, आपने बोल भी दिया है, तो इतना पुराना समूह है, तो इतनी सयानी महिलाएं भी इस समूह में काम करती हैं। तो अब हम लोग सब चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ मीटिंग से और अब जाना है घर को। और पहाड़ का मौसम ना, जैसी धूप हुई थी उतनी खतरनाक बारिश आ गई थी और फिर से धूप आ चुकी है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। और यहाँ पे मीटिंग थी, आपने देखा महिलाएं इतनी सयानी होने के बाद भी अपने समूहों को कितने अच्छे से चला रही हैं, तो सबसे ज़्यादा वही खुशी होती है। और जब कोई आगे बढ़ता है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो आप लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।